हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम अम्बा जी आ गए, वो तो आपने क्लिप में देख ही लिया है। तो करते हैं माता जी का दर्शन, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इतना ज्यादा रश है ना, बहुत सारा पब्लिक है, और आज संडे भी है तो होगा ही ऑब्वियसली। और ये देखो कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी में बैठा हूँ, कांच वाच बंद किया है, अभी एसी बंद हुआ ना तो थोड़ा पसीना है, थोड़ा मैनेज कर लो। तो अभी क्या करता हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ गब्बर पे, क्योंकि क्लाइंट तो गब्बर पे नहीं जाने वाले, तो मैं गाड़ी यहीं छोड़ दूंगा, यहाँ से जाऊँगा ऑटो रिक्शा पकड़ूंगा और सीधे गब्बर। अगर वहाँ पर रस कम हुआ, अगर ऊपर जा पाया, मैं दर्शन कर पाया, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे, और क्या। अभी तो फिलहाल रुके हैं यहाँ पे सनराइज होटल में, जो मंदिर के बिल्कुल बाजू में ही है। वो आपने क्लिप में देखा, मंदिर के गेट से वॉकिंग डिस्टेंस में है। हमेशा मैं आता हूँ तो यही होटल पे रुकता हूँ, यहीं पे रिकमेंड करता हूँ कि आओ यहीं पे रुको। बाद में आपको राजू भाई से भी मिलाता हूँ, अगर मिलना हुआ मेरा तो, देखते हैं। चलो अभी गब्बर पे चलते हैं, रिक्शा ढूंढते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं और आपको दिखाते हूँ वहां के नजारे। यहाँ पे मेन मंदिर के पास खड़े हैं, ये रहा अपना मेन मंदिर माता जी का। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। देखो अभी अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं, तो मैं यहीं से दिखाता हूँ, ये जूम करता हूँ, ये वाला जो गोल्डन है ना सुनहरा, ये देखो। तो इधर आता हूँ, अब भाई पहले तू बजा ले। ये देखो वो माता जी का मंदिर है, ये वाला गोल्डन, और माता जी के ध्वजा, मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लो। माता जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे ही दर्शन करके चला जाता हूँ, क्योंकि अभी लाइन है वहाँ पर, ये सारी लाइन लगी है, और मंदिर 7 बजे खुलेगा। तो तब तक मैं गब्बर जाता हूँ, गब्बर पे दर्शन करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे टाइमिंग लिखा है, आरती का टाइम, दर्शन का टाइम, उसके बाद मंदिर मंगल का टाइम, राजभोग आरती का टाइम, दर्शन का टाइम, मंदिर मंगल आरती शाम की और दर्शन शाम के, ये सब है लाइन में। तो आप देख लीजिए टाइम, और ये दिखाता हूँ आपको मंदिर। टाइम हुआ है 5:10, और मैंने आपको बताया ना 7 बजे मंदिर खुलने वाला है, तो अभी तो 2 घंटे, फिर भी ये देखो भक्तों की लाइन अभी से लगी है, और माता जी के बहुत सारे भक्त आए हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ है। तो पहले ट्राई करेंगे गब्बर पे जाने की, गब्बर पर भीड़ रहेगा तो वहाँ पे भी नहीं जा सकूँगा, लेकिन चलते हैं अभी, पहले रिक्शा ढूंढते हैं, यहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं, बाद में आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ तो भाई अभी गाड़ी लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि रिक्शा वाले बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे थे। अभी यहाँ से गब्बर का डिस्टेंस है सिर्फ 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर के लिए भाई वो 40 रुपए बोल रहे हैं एक पाजू का, तो इससे अच्छा मैं गाड़ी लेके जाऊँ और गाड़ी पार्क कर दो, वो अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा अपना, और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, अपने टाइम पे जाके आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो सारी भीड़ है और ये सब जो तैयारी हो रही है ना, वो यहाँ की सबसे बड़ा मेला लगने वाला है अभी 5 सितंबर से 10 सितंबर तक। वो एक मिनट, हाँ बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पे है लिखा, भादरवी पूनम का महामेला है ये,
5 सितंबर से 10 सितंबर तक, मतलब 15 तारीख तक, अगले 15 दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहने ही वाली है। तो ये वीडियो तो शायद 2-3 दिन के बाद आएगी, लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आने का प्लान बना रहे हो तो उस हिसाब से आइए और होटल वोटल का बुकिंग भी उस हिसाब से करवाइए कि आप माता जी के दर्शन कर पाओ अच्छे से। बाकी गब्बर पे चलते हैं अभी, ये गब्बर का रास्ता है और वहां पे क्या है सिचुएशन दिखाता हूँ आपको। चलो ये देखो ऊपर बोर्ड आ गया गब्बर, राइट साइड 3 किलोमीटर। तो वहां पर भी अपना क्या बोले वुडन कटोला रोपवे बोलते हैं ना, ट्राई करेंगे रोपवे में जाए और दर्शन कर पाए। बाकी माता जी की इच्छा, माता जी अभी बुलाएंगे दर्शन के लिए तो जाएंगे ऊपर। भाई ये वाले रास्ते पे थोड़ा संभल के ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रे कैटल्स है ना, कहीं से भी आ जाते हैं। तो अपनी गाड़ी पे थोड़ा कंट्रोल रखो और थोड़ा आराम से चलो ताकि किसी को दिक्कत ना हुए। है गब्बर और क्या ऊंचा पहाड़ है। अभी कैमरे में पता नहीं आपको कितना मालूम पड़ रहा होगा, पर भाई जबरदस्त है। यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मज़ा ही आ जाता है यार, क्या बोलूँ, अभी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और माता जी का तो मैं भक्त हुई। अभी ये मेरी कुड़ देवी है अम्बे माँ, आशापुर आशा क्या बोलते हैं अभी आरा सुरवारी अम्बे मात। तो चलते हैं गब्बर पे और आपको दिखाता हूँ वहाँ के नज़ारे। तो भाई गाड़ी पार्क कर दिया है, अभी यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ा भीड़ है बोला, लेकिन चलेगा दर्शन करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो हाँ, तो ये रोपवे की लाइन है, अभी यहाँ पे जा रहा हूँ। कितना चार्जेस है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। ये रहा चार्जेस, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बराबर अपनी तो पहली वाली लगेगी टिकट, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी टिकट आती है। और हाँ, इसको बोलते हैं माँ अंबाजी उड़न खटोला। और ये रही लाइन, वहाँ से अपने को टिकट लेना है, वो वहाँ दूर तक चलना है। चलो आपको भी घुमाते हैं। पीछे शोर बहुत है, ये रही अपनी टिकट, 125 चार्ज किया है रिटर्न का, मतलब आने जाने दोनों टाइम का। अभी ये लाइन में खड़े हैं, आगे टिकट चेक करेंगे, ये दिखा देने का और आगे चलेगा। ये देखो यहाँ नीचे से है ना, आप चल के भी आ सकते हो ये रोड पे। और ये दादर दिख रहा है, ये देखो
गब्बर के ऊपर आ चुके हैं। अभी यहाँ से जाते हैं मंदिर के अंदर और आपको भी दर्शन करवाते हैं। वाह, एकदम गजब फीलिंग है, गजब। और गब्बर के ऊपर आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे है मंदिर। और अभी ये सनसेट हो रहा है और क्या नज़र है यहाँ से, वाह जबरदस्त। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो क्या गजब नजारा है, क्या गजब, बहुत ही मस्त लग रहा है। देखो कितनी हाइट पे है और ये पूरा का पूरा पहाड़ ऐसा ही पत्थर ही है। अभी ये ग्रिल है तो मैं ज़्यादा बाहर करके नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देख लो। हाँ तो माता जी के दर्शन करके नीचे आ गया हूँ। अभी क्लाइंट का फ़ोन आ गया था, वो खाना खाने के लिए बोल रहे थे, तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे। अभी तो अंधेरा हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो अभी टाइम हुआ है 6:52, मतलब 6:52, मतलब 7 ऑलमोस्ट बजने वाले है। तो अभी 7 बजे वो मंदिर खुलेगा। अभी देखते हैं मंदिर में भीड़ कितनी है, कैसा है। पहले तो क्लाइंट ने फोन किया था तो वो उनके पास जाना पड़ेगा पहले, और खाना खाने को बोल रहे थे तो पहले देखते हैं खाना खा लेते हैं, बाद में लाइन में खड़े रहेंगे। मंदिर तो जाना ही है भाई, इतनी दूर तक आया है और माता जी के दर्शन नहीं किए तो क्या फायदा। इसलिए माता जी के दर्शन के लिए जाना तो है ही, और आप सबको भी है भाई, प्लीज ये माता जी के लिए भी मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, थोड़ा ग्रो कर दो। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करना है, अभी तो बहुत सब्सक्राइबर बाकी है। एंड आप सब लोग वीडियो देखते हो, थोड़ा लाइक कीजिए करो यार, लाइक करने से अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वाली होटल है अपनी, ये देखो होटल सनराइज पैलेस, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और आपने रास्ता तो देखा ही है। तो ये अपने राजू भाई है, और यहाँ से यहाँ पे आके राजू भाई को बोलिएगा, अपना नाम दीजिएगा, आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा। और कभी भी अंबाजी आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है और ये होटल आपको ज़रूर मिलेगी। तो भाई मैं यहाँ मार्केट में घूम रहा था और ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। और ये सारे के सारे मेटल के बने हुए हैं, हर एक पीस आप जो भी देख लो हर एक पीस मेटल के बने हैं। बड़ी साइज़ से लेकर छोटी साइज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखो। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, इसके ऊपर तो आप खुद बैठ के जा सकते हो भाई, अपनी गाड़ी किस काम की, ये देखो। और इनके पास बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देखो
ये बड़े वाला ट्रैक्टर। और ये कहाँ पे, ये भाई को ही पूछता हूँ भाई, कौन सी जगह है एग्जैक्ट, मंदिर के कौन से गेट के पास आता है? मंदिर के 8 नंबर गेट के पास में अजंता गली लास्ट में। ओके, अजंता गली है मंदिर, मंदिर का गेट नंबर 8 के पास है भाई। तो अंबाजी आओ तो ये एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करना और देखना, ये भाई मिलेंगे अपने को और आप यहाँ पे देख लो सब। ये देखो भाई मेन मार्केट पूरा है, पूरा अपने होटल ये वाली यहाँ पर है और होटल से वो दुकान थोड़ी दूर भी थी। मज़ा आ गया ऐसे खिलौने देख के। तो अभी तो जा रहा हूँ होटल पे, थोड़ा गाड़ी में जाऊँ, थोड़ा मोबाइल वोबाइल देखता हूँ, घर पे फ़ोन करता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अभी गाड़ी में आ चुका हूँ, थोड़ा यहाँ पे मोबाइल वोबाइल चेक करता हूँ नेट, और थोड़ी देर बाद जाऊँगा सोने के लिए। अभी अपना सोना तो यहाँ पे है और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।